ओके तो कार्ल मार्क्स के हिसाब से जो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारा रह जा रहा है वो है तुम्हारा मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन उसका ये मानना था कि क्या था, एक मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन था। तो हर सोसाइटी जैसे जैसे चेंज किया वैसे वैसे मोड्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज किया, ठीक है। अब मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो वो उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक डिवाइड करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरा वो डिवाइड करता है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम लोग ऑलरेडी हल्का सा इसका कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि लेबर सोशल है नेचर में, लेबर तुम अकेले नहीं करते हो, लेबर ग्रुप में करोगे, सब मिलके करोगे। जब तुम लेबर सोशल में करने जाते हो तो फिर क्या है, क्योंकि ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट आ चुका है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो उसमें जो लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जिस चीज का यूज कर रहे हो तुम सामान बिल्ड करने में या मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट में, फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न टाइम में कैपिटल हो गया, लैंड हो गया, लेबर तो खैर अलग पार्ट में आ गया क्योंकि लेबर तो खरीद बिक्री कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उस तरह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया। तो जो लोग लैंड को एक्वायर किए हैं या जो लोग कैपिटल को एक्वायर किए हुए हैं वो एक अलग लेवल पे चलेगा। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर दोज मटेरियलिस्टिक थिंग, वो टेक्नोलॉजी या वो इक्विपमेंट या वो कोई भी ऐसा मटेरियलिस्टिक चीज जो कि तुमको सामान प्रोडक्शन में मदद करता है उस टाइम पे, तो वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कहां से आता है, तो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन आता है बिकॉज लेबर इज सोशल इन नेचर। तो जब उस सोशल गैदरिंग में तुम आओगे तो डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ तुम्हारा कैसा रिलेशन है, यू विल डेवलप अ रिलेशनशिप। अब जो भी आदमी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर होगा और बाकी आदमी जो होंगे जो अपना लेबर बेच रहे होंगे, नाउ दे एंगेज इन ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, समझ में। और ये जो इनका रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल फ्यूडल सोसाइटी में ये रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कैसे था, लॉर्ड एंड सर्फ। मास्टर सोसाइटी में कैसे था, स्लेव सोसाइटी में मास्टर एंड स्लेव का। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में कैसा था, बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरियट का। तो डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिपेंडिंग अपॉन द ऑनरशिप ओवर दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन योर रिलेशनशिप डेवलप्स विद इन द सोसाइटी। जो लोग साबुन फैक्ट्री में जुटे हैं साबुन बनाने में, वो लोग फैक्ट्री ओनर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि साबुन बनाना है इट्स अ सोशल फंक्शन, ठीक है, सोशल है। जो फैक्ट्री का मालिक है और जो लेबर वहां पे डेली वेज के लिए आ रहा है, दोनों के बीच एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, हु ओन्स दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हु ओन्स दैट फैक्ट्री, हु ओन्स दैट लैंड, उसके हिसाब से एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ, राइट। और उस रिलेशनशिप से रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन डेवलप हुआ, और इन दोनों के एग्रीगेट, इन दोनों का जो अल्टीमेट कॉम्प्लेक्स बना उससे एक तरह से मोड ऑफ प्रोडक्शन आया। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन इज नथिंग बट सम टोटल ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये कहता है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन हर सोसाइटी में चेंज होता जाता है, क्योंकि हमने देखा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन चेंजिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन सोशल सोसाइटी भी चेंज करता है, समझ में। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक है। और बाकी तो हम देख ही चुके हैं, इससे तुम लिंक कर सकते हो, अगर इसको सवाल आ गया तो यू कैन एक्सप्लेन इट इन अ वे हाउ कैपिटलिज्म में जाओगे, हाउ दिस रिलेशनशिप बिकम्स एक्सप्लॉइटेटिव। There is always क्या होगा,
depending upon ownership and non-ownership, there always will be asymmetric relationship, and that asymmetric relationship will always be exploitative in nature. समझ में आ रहा है? और इस तरह से तुम उसको लिंक कर सकते हो, ठीक है? ओके, तो ये हो गया हमारा मोर्स ऑफ प्रोडक्शन.